सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री रामसर दे पूरब ते उत्तर दी विचकारली दिशा विच किरपालू गुरु जी धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज बैठे हैं। उत्थे ओह श्री सुखमणी साहब की रचना करन लगे हैं जड़ा लोकां नू सुख दे के निहाल करे। पहले श्लोक विच गुरु जी ने चरण वंदना कीती अते महान मंगलाचरण किया। फिर प्रभु सिमरन की वड्डी महिमा अष्टपदी विच लिखी। नाम का महात्म बहुत महान है, बहुत ढंगा नाल सतगुरु जी ने बयान किया है। ब्रह्म ज्ञानी वैरागी भगत साध संगत विच जिन्हां दी लिव लगी है उन्हां दा बड़ा महात्म वर्णन किया है। संतां दे वैरी वड्डा दुख पाउणगे, आप ही प्रभु निर्गुण है अते आप ही सरगुण है। अपनी कला धार के जिसने सारे संसार नू मोहिया है, तू ब्रह्म है यह वाक कीता। इस तरह श्रुतियां दा सारा सार रख्या। श्री सुखमनी साहब लिख के इसका महात्म दस्या कि इसका बहुत प्रताप होवेगा, यह सब तो उच्चा स्थान पावेगा। जेड़ा पाठक इसनू नित पढ़ेगा उसका आना जाना मिट जाएगा। मैं इसकी की महिमा बयान करा, गुरु जी ने आप ही इसकी बहुत महिमा बयान की है। सवेर समय जड़ा एक मन हो के इसका पाठ करे, अठ पहर कीते कर्मा दे सारे पाप मिट जाते हैं, उन्हों का जन्म मरण कट जाता है। अते पढ़ के वह हर वेले प्रभु दे चरणा विच समाया रहिंदा है। जिथे बैठ के श्री सुखमणी साहब का उच्चारण किया है उस स्थान दे दर्शन करन नाल भी भारी फल मिलता है। सारा सुखमणी साहब लिखवा के पूरन गुरु जी जिन्हों का श्रेष्ठ परोपकारी चरित्र है उठ बैठे। इस तरह रोज़ उच्चारण कर करके गुरु जी बाणी लिखवाते सन। बहुत लोग धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरणा कमलों नाल प्रीत करके उन्हां दे सिख बन गए। गुरु जी ने श्री अमृतसर नगर नू बहुत वसाया। सारे निवासी हौमे त्याग के गुरु जी की सेवा करते सन। एक पासे अमृत सरोवर सी अते दूजे पासे गुरु जी का अपना घर सी। विच दुकाना बनवा के वड्डा बाजार तैयार किया सी जिथे वणज व्यापार का काम चलता सी। गुरु जी के बचन मन के बहुत धनी बाणीए अमृतसर शहर विच आ वसे। बहुत प्रकार का सौदा पा के उन्होंने अपनिया दुकाना भरिया हुई सन। एक दिन सारे बाणीए इकट्ठे हो के गुरु जी के पास आए। पहला नमस्कार करके हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती की, हे गुरु जी, असी तुहाडे बचन मन के तुहाडे बनाए बाजार विच बैठे हाँ, हुण व्यापार कुछ नहीं हुंदा है, इसलिए भोजन कित्थों खाइए। कोई गाहक नहीं आउंदा जिस करके कोई वस्तु भी नहीं विकदी है, कुछ लैण देण तो बगैर धन कित्थों पावांगे। यह सुन के श्री गुरु अर्जन देव जी ने बाणियां नूं कहा, रोज़ाना श्री दरबार साहब विच आ के मत्था टेको, एक कौड़ी दो तीन चार पंज हाथ विच लै के अपनी निजी समर्था अनुसार प्रेम भगती दे नाल धन भेट करो। फिर सारा दिन व्यापार करो, शाम नूं फिर परिक्रमा करके वंदना करो। तुहाडा निजी व्यापार बहुत वधेगा, धनी बन के सुख पाओगे, पुत्रां सहित फलोंगे फुलोंगे, अपने सारे शंके मिटा दिओ। सारयां ने सुन के हाथ जोड़ के गुरु जी की गल मन ली ते अगे तो फिर उस तरह ही किया। उन्हां दा फिर व्यापार चंगा चलिया, बहुत धन प्राप्त करके सुख पाया। बाद विच एक होर कथा हुई, वह इस प्रकार है। प्यारी साह संगत जी, जिस तरह के आप जानते ही हो कि धन श्री गुरु अर्जन देव जी के दरबार विच भाई सत्ता ते बलवंडा की जोड़ी कीर्तन करती हुंदी सी। कीर्तन करद्या करद्या एक दिन उन्होंने हंकार हो गया। भाई लद्दे उपकारी ने उन्हां दी खातर गुरु जी अगे बेनती की कि
कि महाराज जी इन्हां नूं बख्श दिओ। सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं कहा, इह साडे सिख भाई लद्दे दा उपकार है, उसदे कहे ते असीं तुहानूं बख्श दित्ता है। फिर कदी भी हंकार करन दा विकार ना करिओ। तुसीं दोवें वड्डे अपराधी सी जिन्हां ने श्री गुरु नानक देव जी की निंदा की सी, तुहाडी खिमा इसने करवाई है, नहीं तो दोहां लोकां विच हज़ारां कष्ट पाउंदे। फिर भाई लद्दे ने बेनती की, तन तो भी इन्हां नूं अरोक कर दिओ तां कि सब विच दोबारा तो गायन कर लग जाण जिवें पहलां गायन करदे सन। श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गुरु की निंदा करन करके इन्हां दे शरीर नूं दुख होया है, वह अपराध जद यह दूर करनगे तद यह बिना शक राजी हो जाणगे। जिस मुख नाल इन्हां ने गुरु घर की निंदा कही है, उस मुख नाल गुरु का जस वर्णन करन, इस ढंग नाल तन का रोग मिट जाएगा तो शरीर भी पहले समान हो जाएगा। फिर भाई लद्दे ने दोवां नूं कहा, हुण दुख भंजनी विच इशनान करो, ब्रह्म रूप श्री गुरु नानक देव जी का जस वर्णन करो, जिन्हां ने गुरु बन के सारे जहान नूं तारिया है। मुड़ के फिर पंजां गुरु साहिबाना की बाणी ते भिन्न भिन्न कीर्तन गावो, निष्कपट हो के अते हंकार दूर करके बाद विच संगत विच समा जावे। दोवें सुन के बहुत खुश होए, जिवें अमृत की वर्षा होई होवे। हिरदे दे दुख अते गरीबी सब दूर हो गई। श्री दुख भंजनी विच इशनान किया अते बड़ा प्रेम करके गुरु जी के नाम का सिमरन किया। हंकार दूर करके फिर श्री गुरु अर्जन देव जी के सामने खड़े हो गए। सुंदर रामकली राग विच हिरदे विच आनंद धार के वार लिखी। चार पौड़ियां विच श्री गुरु नानक देव जी का श्रेष्ठ जस वर्णन किया। जिवें उन्हां दी बुद्धि सी उस तरह ही उन्हां ने किरतार्थ होने के स्वार्थ नूं मुख रख के कथन किया। एक एक पौड़ी विच चतुर गुरु जी की सुंदर कीर्ति बना के कही। श्री गुरु अर्जन देव जी के सामने हथ जोड़ के सारी सुना दिती। श्री गुरु जी वार सुन के बहुत प्रसन्न होए। फिर उन्होंने उस वार नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखवा दिता। उन्हां दे शरीरां दे रोग दूर हो गए अते तन शुभ ते नवे निरोए हो गए। उन्हां दे शरीरां नूं वेख के लोग बहुत हैरान होए। जिहड़े इस वार नूं प्रेम नाल पढ़न सुणगे उन्हां दे तन दे सारे रोग दूर होणगे। जिहड़े निता प्रति नेम नाल मुख तों उचारणगे उन्हां विच गुरु जी की महान श्रद्धा वधेगी। गुरु जी मूँह मंगियां मुरादां दिंदे हन जिहड़े गुरु जी के रूप का ध्यान धरके पढ़ते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हथ ना आवे जिहड़े महान ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। सब तो वड्डी गल है सतनाम का सिमरन, ते सब तो वड्डी कार है परोपकार करना। इन्हां दोहां बगैर मनुखी शरीर नूं तिरस्कार है। समा बतीत करते हैं पर गुण नूं नहीं जानते। उन्हां दा पूंछ ते सिंघ बगैर पशु का जन्म है। वह संसार दे विच फजूल ही आए हैं। अंत समय जमदूत दृढ़ता नाल फड़ लेंदे हैं, झूरदे होए फिर दोवें हथ झाड़ के चले जाते हैं। पुन दान तप अते यग करना परोपकार के बराबर नहीं पहुँचता। अनेक रीतियां नाल भावें पाप करन पर किसे पाप नूं किरत घण दे बराबर ना जाणो। अहिंसत रहण धर्म सब करे पर अहिंसा पाप पहचान के करे। इस करके सदा ही मन तन अते धन करके उपकार दा ही चितवन करे। शुभ सभा विच बैठे सारे मनुखां ने गुरु जी दे बचन सुन के उस ते निश्चा कीता। नेता प्रति श्री गुरु अर्जन देव जी नवी बाणी दी रचना करदे सन। सब चतुर संत श्री परमेश्वर दा श्रेष्ठ जस बहुत कहिंदे हन। सतनाम दा सिमरन करो, मनुखा जन्म फजूल विच ना गवाओ। अचल प्रभु नाल लग के जन्म नूं सफल करो तां कि तुहानूं सारे सुख प्राप्त होण। बहुत प्रकार दे श्रेष्ठ जस समेत उपदेश लिखवाउंदे सन। अपने मन प्रथाए ही बहुत कह के सिखां दे कलेशां नूं दूर करदे सन। लखां नर पढ़ सुन के गुरमत नूं हिरदे विच धारण करदे हन। सब जंजालां नूं छड के भवजल पार हो जांदे हन। श्री गुरु अर्जन देव जी वर्गा परोपकारी ना कोई होया है, ना कोई है अते ना इन्ना हितधारी कोई होवेगा। श्री दरबार साहब
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਭਰ ਪੂਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।